हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिकी में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ पालक पनीर, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है मैंने। कोई झंझट वाली रेसिपी नहीं है, इसे कोई भी बना सकता है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगते है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, ये प्याज है, दो प्याज को हमने अच्छे से पीस लिया, दो टमाटर इसे भी बारीक पीस लेना है, और ये उबला हुआ पालक है, उबालकर हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, और ये पनीर है, पनीर हमारा 200 ग्राम है। तो अब इसे हम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने पैन को गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये सरसों का तेल, ज्यादा नहीं, दो चम्मच हमें डालना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो उसमें हम डालेंगे ये खड़े मसाले, एक इलायची, दालचीनी, लौंग, थोड़ी सी जीरा और दो हमारी गुलकी है, तो इसे हम डाल देंगे। आप चाहे तो खड़े मसाले का यूज नहीं भी कर सकते, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब हम डालेंगे एक तेज पत्ता, तेज पत्ता डालने के बाद अब हम डाल देंगे प्याज, प्याज को आप थोड़ा धीरे डालें, नहीं तो ये बहुत ही उड़ेगा। प्याज को हम अच्छे से ढक देंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि प्याज हमारा पका है कि नहीं। तो ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो रखा है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे टमाटर, मसाला को आप ढक कर ही पकाएं, नहीं तो जो मसाला होता है बहुत ही थोड़ा सा उड़ता है, इसलिए आप मसाले को ढक कर ही पकाएं। अब थोड़ा सा टमाटर भी हम पकने देते हैं। तो ये देखिए, टमाटर भी हमारा पक चुका है। तो ये देखिए, अब हम इस स्टेज पे डालेंगे मसाला, मसाला ऐड करने की बारी आ गई है। यहाँ पर हम डालेंगे, ये है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, तीखा आप अपने अनुसार ही दीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा और ये काली मिर्च का हमारा पाउडर है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो लाल मिर्च भी आप दे सकते हैं, जितना अगर आप तीखा खाना चाहते हैं। तो मैं तीखा ज्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पालक थोड़ा सा हमारा तीखा नहीं सह पाता है, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा तीखा कम बनाए। पालक जो होता है तीखे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने कम ही डाला है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी देके इसे अच्छे से पका लेना है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो मसाला हमारा जल जाएगा, तो थोड़ा सा पानी हमें देना जरूरी है। और इसे अब हम ढक देते हैं और इसे अच्छे से हमें पकाना है। तो ये देखिए, मसाला हम चेक कर लेते हैं, तो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर डालेंगे पिसी हुई पालक, जो हमने पीस के रखी थी। अब इसे भी अच्छे से हमें भून लेना है, सुनहरा, जब तक तुम सोना सोना इसमें खुशबू ना आने लगे, तब तक हमें पालक को अच्छे से इसके अंदर भूनना है। इसे भी ढक देते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं, नमक डाल देंगे तो ये अच्छे से हमारा भून जाएगा, और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसे भी ढक देते हैं। बीच बीच में मैं इसे चेक करती रहूंगी। तो ये देखिए, हमारा पालक अच्छे से भून रहा है। ये देखिए, तेल जो है हमारा छोड़ रहा है अब, तो पालक हमारा अच्छे से यानी भून गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं और इसे भूनूंगी, जितना भी आप पालक को भूनोगे उतना ही हमारा पालक पनीर बहुत ही अच्छा बनेगा। तो थोड़ा सा मैं और इसे 5 से 7 मिनट में भून लेती हूँ इसे। थोड़ा सा इसमें हम धनिया पत्ता भी दे देते हैं और भून लेते हैं। तो ये देखिए, पालक हमारा भून चुका है अच्छे से। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी, लेकिन पानी कौन सा डालना मैं आपको बताती हूँ कि पालक को मैंने उबाला था, तो ये पालक उसी का जो पानी बच गया है मैंने इसे रख लिया। इसे आप भी मत फेंकिए, इसमें बहुत विटामिन रहता है, तो इसे फेंके नहीं, इसका यूज कर ले। और इसको देने से, इस पानी को देने से बहुत ही अच्छा है, स्वाद आता है और जितने भी विटामिन से हमारे इसके अंदर ही रह जाते हैं। तो पानी को फेंके नहीं, और जो जिस भी आप पालक उबाल रहे हैं, आप जिसमें खाना बनाते हैं, जिस पानी से, पीने वाले पानी से, तो उसी से आप पालक उबाले और पानी को रख ले। अब इसे हम ढक देते हैं। तो ये देखिए, ग्रेवी में हमारा उबाल आने लगा है, तो यहाँ पर हम पनीर को डाल देंगे। तो ये देखिए,
सब्जी हमारी हो चुकी है। अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे गरम मसाला और इसे अच्छे से थोड़ा सा ग्रेवी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, थिकनेस कैसा आपको रखना है आप रख सकते हैं उस अनुसार, लेकिन थोड़ा सा पालक पनीर थिकनेस रहता है तभी जाने में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये हमारा हो चुका है, अब गैस को हम बंद करेंगे और चलिए सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमारा पालक पनीर दम रेडी हो गया है। मैंने थोड़े सी इसे मलाई से सर्व कर दिया है, आप चाहे तो मलाई नहीं भी दे सकते, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से मलाई देने से बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें बताएं और कमेंट्स भी कर सकते हैं कि अगर आप कमेंट्स करते तो मुझे अच्छा लगता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और जो भी नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जरूर घंटी दबाएं ताकि हमारा जो भी वीडियो जाएगा आप पे सबसे पहले पहुंचेगा। तो इसी तरह से आसान सी रेसिपी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी मैं आप तक लेके आती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय। और जल्दी